मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना की खुली पोल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना, जिसमें सम्मेलन में शादी हुआ करती थी तो गरीब अपने जिसके पास शादी करने के लिए नहीं था, वह व्यक्ति शादी करने के लिए सम्मेलन में पहुंचता है। आपको एक ऐसा ही मामला बता देते हैं, एक विकलांग व्यक्ति अपने शादी का पैसा अभी तक नहीं पाया है। वह शादी का पैसा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के रामपुर नैकिन में मामले सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते देखिए किस प्रकार बारिश में मौसम किस तरह रूप लिया हुआ है। उसके अलावा यह व्यक्ति देखिए विकलांग होते हुए भी अपने शादी का पता लगाने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन तक आया। वह तहसील और जनपद का बार बार चक्कर लगा रहा है पर उसका पैसा अभी तक नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह व्यक्ति की शादी 2018 में हो गई थी पर 2018 से 2020 सितंबर लगने वाला है। करीबन 2 साल का समय हो गया है पर अभी तक उसकी शादी का पैसा उसको प्राप्त नहीं हुआ है। फोन से कई बार जानकारी चाही गई पर लोगों ने यहाँ उन्हें बताना तक जरूरी नहीं समझा, इसलिए उसको मजबूरन उसको पैदल आना पड़ा। देखिए आइए हम सुनते हैं क्या है पूरा मामला। कहाँ से आए हैं? कपूरी से आए हैं। काहे के लिए आए हैं यहाँ? यहाँ आए जो सम्मेलन में शादी हुई थी ना 2018 में, तो उसको जानकारी देना चाहते हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया था। 2018 से अभी तक पैसा आपको नहीं आया? नहीं आया था। कहाँ हुई थी शादी? मेरे शादी हुई थी रामपुर में। अच्छा, मतलब कहाँ पे? गढ़वा में हुई थी कि और कहीं हुई थी? गढ़वा में हुई थी। गढ़वा में हुई थी जी। अभी तक पैसा नहीं आया? अभी तक पैसा नहीं आया। कहाँ से? मतलब किसको किसको बोला है आपने अभी तक पैसे के लिए? सरपंच सचिव से बात की आपने? सरपंच सेक्रेटरी से बात की, कहीं इसको रुक जाओ फिर हम बताएंगे, आज तक नहीं बताएंगे। नहीं अभी तक। कौन से ग्राम पंचायत से आप? हम ग्राम कंपनी के दौर से।